आपके साथ दीपक पटोरिया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आदिवासी समाज अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। राजधानी में सब आदिवासी समाज की ओर से वन स्वराज रैली का आयोजन किया गया। केंद्र और राज्य सरकार के वन निवासी नीतियों के विरोध में हुंकार भरी गई है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार आदिवासियों तथा जंगलवासियों के अधिकार पर नीतिगत हमला कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बेदखली का केस चल रहा है और उसमें भी सरकार दमदारी के साथ वनवासियों के अधिकार को लेकर लड़ नहीं रही है। इसके विरोध में आदिवासी और वनवासी विरोध कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये रैली, ये हुकार, ये शोर, ये हल्ला, ये नारे, ये भीड़, नजारा राजधानी के पूरा तालाब धरना स्थल का। ये उन लोगों की भीड़ है, उन लोगों की ये तस्वीरें हैं जिनका ये पूरा छत्तीसगढ़ है। ये मूल निवासी वनवासियों की भीड़ है। ये राजधानी में अपनी मांग को लेकर पहुंचे हैं। ये सड़कों पर सरकार को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। उन्हें ये बताने के लिए पहुंचे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये तस्वीर वन स्वराज आंदोलन रैली की है। देश भर से पहुंचे आदिवासियों ने सरकार के समक्ष अपनी पीड़ा को जाहिर करते हुए छत्तीसगढ़ में जल जंगल जमीन की लूट हो रही है। पांचवी अनुसूची ऐसे कानून का पालन नहीं हो रहा है। पतान बांध और वन्य प्राणियों के नाम पर वनवासियों को बेदखल किया जा रहा है। आदिवासियों के और जंगलवासियों के जो वन अधिकार हैं उन पे सरकारों द्वारा जो नीतिगत हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ आज प्रदेश भर से सिर्फ आदिवासी नहीं समस्त जन संगठन के लोग यहाँ पर एकजुट होकर के विरोध दर्ज कर रहे हैं। किन किन मांगों को लेकर? देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट में वन अधिकार कानून के खिलाफ जो प्रकरण चल रहा है उसमें सरकारें जनता की ओर से ढंग से पैरवी नहीं कर रही है। दूसरा, वन अधिनियम 1927 में संशोधन के माध्यम से जनता के अधिकार जंगल से खत्म करने की जो साजिश हो रही है उसके खिलाफ यह आदिवासियों के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम आदिवासियों के साथ हैं। सरकार आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम वन अधिकार पट्टा आदिवासियों को बांट रहे थे। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। जहां तक प्रश्न खदान का है तो केंद्र के अधीन है। वो खाली वन अधिकार पट्टे का नहीं है, वन से जुड़ी हुई अन्य जो उनकी समस्याएं हैं वो महामहिम अपने राज्यपाल महोदय के पास वो लोग जाके अपनी बात रखेंगे तो ठीक है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, अपनी बात रख सकते हैं। सरकार के कारण से ये संभव ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ PIL लगाए थे और उन्होंने जवाब नहीं दिया था, तो राज्य सरकारों को जहाँ जंगल है और जहाँ वन अधिकार अधिमान्यता पत्र देना है तो राज्य सरकारों की ओर से जवाब दिया गया और इस कारण से रिलैक्सेशन मिला था। अभी बीच में फिर हाई कोर्ट में किसी ने PIL लगा दिया था, 2 महीने तक स्टे था, अब वो वेकेट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, जैसे वो फैसला हो जाता है फिर से हम तो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में यहाँ जो जंगल में रह रहे हैं उसे अतिक्रमणकारी न माना जाए। फिलहाल आदिवासियों ने अपनी एक दिन रैली कर सरकार को चेतावनी दे दी कि मूल निवासियों के साथ हो रहे शोषण को रोकिए, नहीं तो उग्र आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे। इस आंदोलन को समर्थन देंगे। बस्तर मनीष कुंझा, उत्तर बस्तर से सोहन पोटाई, राजहरा से मुक्ति मोर्चा के जन ठाकुर, रायपुर से CPM के संजय पराते सहित अन्य किसान संगठनों के नेताओं ने भी साथ दिया। लेकिन आदिवासियों के इस आंदोलन से यह तो साफ हो गया है कि वे जल जंगल जमीन की लड़ाई किसी भी कीमत में नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे सरकार भाजपा की हो या फिर कांग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। रायपुर में ट्रिपल आई